एक्चुअली दुनिया एक्सप्लोर ही की है वंस आई मेट हर. हाँ मतलब क्या कहते हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट एक्सेप्ट लंडन आई थिंक हम लोग ऑलमोस्ट सारी जगह पे जा चुके हैं. एंड वी हैव ट्रैवल्ड उस टाइम पे इंस्टाग्राम और फेसबुक इतना स्ट्रांग नहीं हुआ था. वी वर गोइंग टू लंडन एंड आई गॉट प्रेग्नेंट. या सो वो भी ऐसा था कि वी वर प्लानिंग यू नो फॉर लंडन. वीजा आ गया, सब आ गया, टिकट बुक कर रहा हूँ एंड देन सडनली तो मुझे हुई ही नहीं 9 महीने. ठीक है थोड़ा सा बोलना पड़ता क्योंकि जो नहीं जानते प्रेगनेंसी कैसी होती है उनके लिए लड़की उल्टी करे तो प्रेगनेंट वैसा है. तो उनको बताने के लिए कि फिर सडनली यू नो उसने बोला कि टेस्ट की और टेस्ट करने के बाद मैं पॉजिटिव हुआ. तो मैंने बोला वाओ तुम्हारा वंश बढ़ने वाला. मैंने बोला 50,000 रुपए का वीजा का चूना लगा. But I still want to know that when you guys decided to get married, keeping it a secret, being in the public eye, was it difficult? Because what I read is that for the longest time, people in the media and people outside also didn't know. So I didn't know the idea of, I don't like hiding things and all. मुझे तो समझ ही नहीं आता वो सब. But somewhere he was 26 and वही मैंने बोला all his friends were unmarried and होता है ना वो आपको जो लोग बोलते हैं आप वो सुनते हो, आप अपने पार्टनर की ज्यादा नहीं सुनते. इट्स वेरी नेचुरल. लोगों ने बोला होगा इसको चाहती हूँ करियर पे. मेरा था ठीक है करियर पे आएगा. नहीं नहीं करियर के लिए नहीं था. फिर ऐसे ही थोड़ा सा क्योंकि है ना मैं बड़ा अपने जो सर्कल में ना मैं स्टड था. ठीक है ना तो वो स्टड उन लोग बोलते थे तू तो आखिरी में ही शादी करेगा, तू तो आखिरी में ही शादी करेगा. मतलब वो 34 30 तो इतना प्रेशर डाल दिया था. मैंने बोला शिट अब ये लड़की जाने भी नहीं दे सकता क्योंकि इसने बोल दिया था कि भैया अगर समझो तूने नहीं किया है तो फिर मैं तो जा रही हूँ, मेरे को डेट बीट नहीं करना फिर में ज्यादा. वो ऐसे बोला. हाँ तो मैंने बोला लड़की भी हाथ से जाएगी और ये तो साले कब तक ये लॉन्डो पार्टी के साथ मैं घूमते रहूंगा. तो उसके चक्कर में मैंने कर दिया और फिर बाद में मैंने इसको बोला कि प्लीज बताना नहीं किसी को. तो फिर मैं वो किया हम लोगों ने और क्या कहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि औरतों के पेटों में कुछ बात रहती नहीं है क्योंकि उनका एक बेस्ट फ्रेंड रहता है, उसका भी एक बेस्ट फ्रेंड रहता है और उसका भी एक बेस्ट फ्रेंड रहता है. ऐसे बेस्ट फ्रेंड करके पूरे गांव को पता चल गया कि ये कुंवर कुंवारे लड़के की शादी. एक साल तक तो पता नहीं था. मतलब इट्स अ बिग डील. मतलब कैसे छुपाया एक साल बहुत ज्यादा. मतलब हम लोग तो मतलब कोई अवार्ड फंक्शन में भी जाते थे तो फैन में अलग अलग जाते थे, इतना मतलब हमने रखा था. Wow. And when did they find out? How did they find out? I think वही जैसे उसने बोला वाया बोले ना बेस्ट फ्रेंड के भी एक बेस्ट फ्रेंड होते हैं वैसे पता चल गया. Did you just wake up to the news one day like that? No, I knew that it's मैंने purposely spread कर दिया था. फिर से होता है छुपन hide and seek. 2 2 3 मैंने उसी साला घर में ही सांप पाल के रखा है. मैंने उसी को बताया जो मुझे पता है. बोलेगा तूने कहा था कि तू मेरा साथ देगी, जो मैं कहूंगा वो करेगी और एक साल तक भी तूने यू नो उस बात पे नहीं करती हाइड एंड सीक. यू नो वो फेरे लेते वक्त हमने कसमें खाई थी. मेरे लिए नहीं चुप कर अब. तो अभी तक फेरे नहीं लिए. कोर्ट मैरिज मेरे को देखो देखो यार यहाँ पे लोगों ने फेरे लिए उनकी नहीं टिकी. हम बिना फेरे के टिक रहे तो क्या क्या कमाल की चीज है ना. नहीं बिल्कुल मस्त गए 2 मिनट में. मैंने बोला देख भाई मेरे पास यार ये ऐसा वो क्या कहते हैं ना ऐसा स्वीट स्वीट बनना एवरी वो एक दिन के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो सब आ रहे हैं सब पैर पड़ो थैंक यू कितना हंसते हैं. मेरे को बहुत प्रेशर लगता है यार वो जब लड़का लड़की स्टेज पे रहते तो एक ही किया था हमने. लेकिन उसके बाद फिर में वही था कि बोला वो हंसना बसना मुझसे इतना नहीं होगा और कितना करे. मतलब वो आते ना फिर जबरदस्ती हमको भी मालूम है वो जबरदस्ती है सिर्फ हम ही बधाई तो मैंने बोला जाते हैं कोर्ट में तू एक साइन कर मैं एक साइन करो यू मेक किस योर ब्राइड खत्म. That was in 2010. Yeah. Then you guys got married again in 2014, if in I'm Vegas, not wrong. Yeah. Vegas. Yeah. So who planned it and what was the whole idea? No, that was nobody planned it. We didn't plan it. We just पहुँचे वो airport से जो driver हम लोगों को लेकर जा रहा था तो ऐसे वो बताते हैं कि this was you know this is the ऐसे करते करते एक second ऐसे करते करते इस मैं बता रहा हूँ यही सच है. जा रहे थे वो चैपल एक है जहाँ पे जेनिफर लोपेस ने शादी की है. तो वो बोलते ना वो जो एंथू कटलेट रहते हैं उनको लगता है कि हम ज्यादा टिप देंगे इतना अच्छी अच्छी बातें करने पे. तो उसने बोल दिया कि दैट्स द फेमस चैपल वेयर यू नो जेनिफर लोपेस गॉट यू नो मैरिड. अब मैंने लगा वाव मैंने तो वाव करके छोड़ दिया. अब ये वाव इनके अंदर दिमाग में क्या खाओ चल रहा था समझ में नहीं आया. रात को अचानक से आया कि आई वॉन्ट टू डू क्रिश्चियन वेडिंग.
मैंने बोला कि यहाँ पे कहाँ मेरे, मैं अभी कहाँ से फूफा और चाचा पैदा करूँ कि उन्होंने हमारी शादी में आए। कितना अजीब लगेगा कि चैपल में जा रहे साला कोई घंटा कोई पूछ रहा है। एक तो कोई ना ट्रिप ट्रिप तो नो प्लान्स। हम लोग ने फर्स्ट डे मैंने रखा था कि ना जाएंगे कसिनो ये सब यू नो एक्सप्लोर करेंगे पूरी चीज़ों को, वो हमारा प्लान था। और इस मैडम ने कर दिया उसका पूरा उल्टा, उसने पूरा वो आइटनरी चेंज करके बोल दिया आई वॉन्ट टू गेट मैरिड। तो फिर मैं हम लोग गए, इसने अपने लिए वो क्रिश्चियन वेडिंग का वो पूरा वो गाउन लिया। फिर बाद में मुझसे पूछी तो मैं एक्चुअली वहाँ पे एक शो के लिए गया था, सो आई हैड अ शो इन फिलाडेल्फिया एंड फिलाडेल्फिया एंड आई थिंक न्यू जर्सी, तो दो सिटी में मेरे शोज थे। तो उसी बहाने हमने बोला कि हम कंटिन्यू करके देन वी विल ये कर लेंगे। तो उसने बोला कि व्हाट आर यू वेयरिंग, मैंने बोला मैं खर्चा नहीं करता। मैंने वही अपने एंकरिंग वाले जो कपड़े जो मैं पहनने वाला था वही पहन के मैं यू नो आ गया। इट वाज अ वेरी स्वीट वेडिंग। हां वो था। फिर ये मेरे को बोलते हैं कि चैपल तक जा रहे कैसे हैं, मैंने बोला कि टैक्सी ऐसे बुलाएंगे, बोला कि नो आई वांट अ लिमोजिन। तो फिर जाके मैंने लिमोजिन अरेंज की, फिर लिमोजिन का हुआ, फिर वहाँ पे जाने के बाद देन आखिरी वो हुआ मस्त था। मतलब पूरे चैपल में जैसे यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है वैसे वहाँ पर भी कोई भी नहीं था, ठीक है ना। ऐसा एक सीक्रेट कैमरा था वहाँ से वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या कहते हैं और पूरा वो शूट हो रहा है। तो एक से फोटोग्राफर था, दैट्स इट। मतलब ये मेरे हिसाब से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, क्या बोलते हैं यू मेक किस योर ब्राइड का, बिकॉज़ नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु गो अलोन एंड गेट मैरिड। या बट इट्स आल्सो इट्स अ चॉइस दैट यू मेक, राइट। हां तो उसने फ्रेंड में वहां पे हम लोग देखो उसने वेडिंग मतलब पे कॉम्प्रोमाइज किया, यू एक्चुअली गिव हर व्हाटएवर शी वांटेड क्रिश्चियन मैरिज।